हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज मैं घर पे हूँ। तो आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ तो वो बाहर कहीं घूमने का तो नहीं है। आज मैं घर पे हूँ तो सोचा क्यों ना घर पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मेरे घर पे कुछ स्पेशल बन रहा था तो सोचा उसी का कुछ रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो आज मेरे घर पे फ़िश बन रही है तो मैं आपके सामने फ़िश की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि फ़िश अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसमें स्मेल आती है, अच्छे से नहीं बनती है। पर मैं आपको जिस तरीके से बना के दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी वे सेम वैसे ही बनाते हो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी उसके अंदर और आपको खाने में भी इतनी टेस्टी लगेगी। इनफैक्ट आप सब्ज़ी छोड़ो, सिर्फ़ जो फ्राई करके जो एक फ़िश पकौड़ा टाइप होता है ना, आप फ्राई वाले पीसेस ही सारे खा लोगे, ग्रेवी तो छोड़ो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या क्या बनता है, क्या क्या चाहिए हम चीज़ों को फ़िश बनाने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, करीब 1 kg के आसपास हम लोग फ़िश लेके आए थे। उसको हम लोगों ने पहले तो नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश किया हुआ है उसको। तो आप भी जितनी भी फ़िश लाना है आप लोग उतनी लेके आइए और उसको बहुत अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए। जब आप सादा पानी से उसको धो लोगे बाद आप क्या कीजिए, उसमें बेसन डाल दीजिए। जी हाँ, बेसन को क्या कीजिए, पूरी फ़िश के ऊपर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पूरी सारी फ़िश जितनी भी उसको बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग चिकन वगैरह या दूसरी चीज़ें बनाते हैं वो मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं, सेम उसी तरीके से आप बेसन डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको धोना है। मतलब कि जो बेसन हमने लगाया था उसको आप बहुत अच्छे से मतलब कि क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए साफ़ पानी से। आप जैसे ही बेसन से धोने के बाद जब आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मतलब कि जो स्मेल आपको पहले आ रही थी फ़िश में वो बाद में बिल्कुल भी नहीं आएगी बेसन से धोने के बाद। तो आप सबसे पहले क्या किया, आपने सादा पानी से धोई, फिर उसके बाद आप बेसन के पानी से धो लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके आगे हम दिखाते हैं आपको कि आपको क्या क्या डाल के उसमें रेडी करना है। तो दोस्तों धोने के बाद इसमें क्या कीजिए, जैसे कि हमने इसमें वापस से बेसन डाला हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है हम लोगों ने, जिससे कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला हुआ है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये चिपकेगी नहीं कढ़ाई में ऑयल में और अच्छे से फ्राई होगी बहुत क्रिस्पी तरीके से। और इसको बाकी का आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालिए थोड़ा सा, थोड़ा सा बेसन, और इसमें आप नमक, लाल मिर्ची, और अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें काली मिर्ची या फिर मसाला डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देते हैं। ये हमने सारे पीसेस वन बाय वन करके ऑयल में डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे पीस जो है अच्छा फ्राई हो जाए, खाने में टेस्टी लगे और उसके ऊपर जो एक लेयर आ जाए क्रिस्पीपन की, जिसके लिए हमने कॉर्नफ्लावर और बेसन डाला हुआ है। तो एक तरीके से फ़िश पकौड़ा जो बोलना चाहिए ना, फ़िश पकौड़ा रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, देखिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूं कि कैसे बन रही है, क्या क्या हो रहा है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी मम्मी जो हैं वो ये सारी सब्ज़ी बना रही हैं, उन्होंने ही फ्राई किया है और वही पूरा ये सब। यहाँ हमने सारे पीसेस डाल दिए हैं फ़िश के सारे जो है फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। देखिए हम लोग यहाँ निकाल लिए, ये लास्ट है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी लेयर आ गई है ऊपर, कितना अच्छा कलर आ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो बहुत खाने में बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी लगेंगे। चलिए निकाल लेते हैं इनको भी। अब हम ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मीन्स हमारी सारी जो फ़िश है वो पूरी फ्राई हो चुकी है, अब खाने के लिए रेडी है। और हम लोग आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा पास से कैमरा करके कि कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, कच्चे नहीं हैं, और जो हमने लेयर आई हुई है इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर और बेसन की वो कितनी अच्छे से आई हुई है। देखिए आप लोग देखिए कितना अच्छे से फ्राई हुए हैं, एकदम क्रिस्पी, एकदम पीसेस हैं, एकदम मज़ेदार, खाने में एकदम टेस्टी, बेहतरीन। चलिए खाते हैं हम, आप भी मज़े लीजिए फ़िश फ्राई के। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे, फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम अपनी जो फ़िश की ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो बनाते हैं। आप देख रहे हो ये हम लोगों ने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट है जिसको कढ़ाई में डाला हुआ है फ्राई होने के लिए अच्छे से।
और इसमें थोड़े से मसाले डाले हुए हैं हमने, तेज पत्ता वगैरह डाला हुआ है इसमें। हम लोग इसको अच्छे से पहले प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसमें नमक मिर्ची मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं हम। अब ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे मसाला है जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है काफ़ी, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर ये जल जाएगा और टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा ये मसाला जो है फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो हमारे मसाले हैं, आप जितने पीसेस हैं आप उसके अनुसार, और आप जितनी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अनुसार आप अपने मसाले डाल सकते हैं। अगर आप कम नमक खाते हैं, कम नमक डाली ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा आप अपने अनुसार मिर्ची मसाले डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चम्मच नमक डाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जब फिश को फ्राई किया है तो उसके पीसेस के अंदर भी नमक है हमारा, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने हल्दी डाली हुई थी, लाल मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं कितना नहीं। इसमें हम लोगों ने, इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ये, क्योंकि गरम मसाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन वेज के अंदर, क्योंकि उसके बिना तो टेस्ट आता ही नहीं है। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें धनिया पाउडर डाला हुआ है, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है धनिया पाउडर। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और सारे मसालों को भी पेस्ट के साथ थोड़ा सा फ्राई भूंज भूंज लेंगे अच्छे से थोड़ा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है। आप इसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जिससे मसाला चिपके ना, क्योंकि अगर मसाला भूनते टाइम अगर नीचे चिपक गया तो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जिससे वो अच्छे से पक जाए और चिपके ना, और इसको पकने दीजिए, क्योंकि मसाला अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो टेस्ट नहीं आएगा। जब आप देखते हैं मसाला जैसे जैसे पकता जाएगा, सारे मसाले पेस्ट सब अच्छे से पकता जाएगा, उसके अंदर एक कलर आने लगेगा, और वही कलर हमको चाहिए होता है एक टेस्टी सब्ज़ी के लिए। तो आप देख रहे हैं हमारे मसाला पक चुका है अब, क्योंकि उसके अंदर कलर आ चुका है। इसमें अब हम वाटर ऐड करेंगे। आप इसमें उतना ही वाटर ऐड कीजिए, पानी डालिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए, मतलब आपने पीसेस आपके कितने हैं और आपने मसाला कितना डाला है वो देख के आप अपना इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा गाढ़ापन, गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा कम वाटर डालिए, पर आपको थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी पतली चाहिए तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दें और बहुत कम डालें। आप जितनी फिश है हमारी उसकी क्वांटिटी के अनुसार और हमारी मसाले की क्वांटिटी के अनुसार इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। फिर पानी डालने के बाद और मसाले के और पानी को अच्छे से मिक्स होने दीजिए और उन दोनों को अच्छे से पकने दीजिए। उसके बाद इसमें हम अपना फ़िश को ऐड करेंगे, जो फ़िश हमने अच्छे से फ्राई की थी उस फ़िश को फिर हम इसमें डाल देंगे, जिसके बाद हमारी फ़िश ग्रेवी की जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद ये मसाला और पानी का जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए उसमें ऑयल अलग ही ऊपर आ चुका है जिसमें, और ग्रेवी का जो कलर होता है वो भी आ चुका है। मींस इससे हमें पता पड़ता है कि जो हमारा ग्रेवी है वो पक चुकी है, रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर हम अब पीसेस ऐड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें देखिए आप ऑयल अच्छे से दिखने लगा है। तो इसमें अब हम ऑयल सॉरी इसमें अब हम पीसेस को ऐड कर देते हैं। ये हमने सारे पीसेस डाल दिए अपने जो हमने फ्राई किए थे, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने सारे पीसेस जो थे फिश के वो अब डाल दिए हैं ग्रेवी के अंदर। अब ग्रेवी को और पीस को भी अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो पीसेस के अंदर आ जाए, उन दोनों को भी पक जाए, मतलब लगभग
ग्रेवी रेडी होने के बाद उसमें पीस जब लास्ट में ऐड कर दिए जाते हैं तो फिर लगभग सारा काम मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, बस उसको पकने का, अच्छे से मिक्स होने का टाइम चाहिए होता है। बस उतना ही टाइम पूरी सब्जी को रेडी होने में लगता है। बस हमारा यही सिर्फ इतना हमको वेट करना है कि ये अच्छे से पक जाए, मिक्स हो जाए, और उसके बाद हमारी सब्जी खाने के लिए रेडी है। मैं दिखाता हूँ आपको उसके बाद जब फाइनली हमारी सब्जी बन के रेडी होती है तो कैसा कलर आता है और कैसी दिखती है। तो दोस्तों फाइनली हमारी फ़िश ग्रेवी की जो सब्ज़ी थी वो रेडी है बनके, और आप देख सकते हैं कितने अच्छा इसमें कलर आया हुआ है, ऑयल का भी ज़्यादा मिर्ची भी नहीं दिख रही है और पीसेस भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। फाइनली हमारी सब्ज़ी जो है रेडी है, अब हम इसको खाने के लिए निकाल लेते हैं। आपने फ़िश फ्राई की, उसको आप ड्राई फिश सॉरी जो ऑयल में हमने पीसेस को फ्राई किए थे उसको आप नॉर्मली सिर्फ फ्राई करके भी खा सकते हैं, और जितने पीसेस लास्ट में बच जाते हैं उसको आप ऐसे इस प्रोसेस से आप सब्जी बना सकते हैं। तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं। इसके साथ हमारी रोटी भी तैयार है, हमारी एकदम फूली फूली गोल गरम रोटी रेडी है सब्जी के साथ खाने के लिए। तो हम लोग फाइनली अपनी सब्जी और रोटी खाते हैं, आप लोग भी खाइए। और आपको कैसा वीडियो लगा वो हमको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आगे भी हम लोग कुछ कुछ वीडियोस लाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।